हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन नंबर 2 ऑफ 3D ज्योमेट्री। स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। लेट्स स्टार्ट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट गिवन है फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हैविंग नॉर्मल परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस पूछा गया है। पॉइंट हमें डायरेक्टली गिवन है और प्लेन की इक्वेशन डायरेक्टली ना देकर के उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है कि वो इस पॉइंट से पास करेगा और इन दोनों गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड करते हैं। देखना, पहले वाली जो लाइन है ना, उसका उसके अलोंग कौन सा वेक्टर है, दिस इज 1, -2 एंड 3, ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। दूसरी लाइन कौन से वेक्टर की डायरेक्शन में है, 2, -1 एंड -1। अब ये हमें गिवन है कि इसका जो नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगी। सो दैट मींस वी कैन से दैट द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर। राइट, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं एक बार। दिस इज आई कैप, जे कैप, के कैप, 1, -2, 3, 2, -1, -1। This would be equal to, कितना बनेगा ये, 2 + 3, 5, -j cap -1 -6 -7 and +k cap -1 + 4 is 3। तो कौन सा वेक्टर आ गया, 5, 7 and 3 वेक्टर आया। ये आ गया प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। अब प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ चुका है, पॉइंट पता था कहां से पास कर रहे हैं, 1, -1 and -1 से, यहां से पास कर रहे हैं। राइट, तो ये नॉर्मल वेक्टर n था, इसको a मान लेते हैं। तो अगर पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, प्लेन की इक्वेशन लिखी जा सकती है कैसे, r.n = a.n। ठीक, तो दिस वुड बी r.this 5, 7, 3, a.n = 1, -1, -1, ·3। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई है। इसको अगर कार्टेशियन में कन्वर्ट करने है, तो r की जगह क्या आ जाएगा, xyz आ जाएगा। सो दिस इज 5x + 7y + 3z, ये आएगा डॉट प्रोडक्ट। और राइट हैंड साइड पे कितना, 5, -7 and -3, तो कितना बन जाएगा, ये माइनस का 5 बन जाएगा। सो द इक्वेशन कम्स आउट टू बी 5x + 7y + 3z + 5 = 0। प्लेन की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब इस प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करना था कौन से पॉइंट से, 1, 3 and -7 से। तो ये पॉइंट गिवन है 1, 3, -7। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पुट कर दो, 5 × 1 + 7 × 3 + 3 × -7 + 5 / √5² + 7² + 3². ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो कितना बना, ये 21 कैंसिल आउट, 5 + 5 = 10, और नीचे कितना बन जाएगा, √83। तो ये डिस्टेंस मिल गया 10/√83। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। इफ द लाइंस x = y = z, x = y/2 = z/3, दो लाइंस गिवन है, एंड द थर्ड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, 1 फॉर्म अ ट्राइंगल ऑफ एरिया √6 units, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थर्ड लाइन विद द सेकंड लाइन। तीन लाइंस गिवन है, उनमें से दो की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और पूछा गया तीनों लाइंस मिलके एक अगर ट्राइंगल बना रही है रूट सिक्स की, तो उसका एक वर्टेक्स फाइंड करो। ठीक, तो देखते जाना। सबसे पहले तो ये जो दो लाइंस है ना, ये देख के पता चल रहा है दोनों ओरिजिन से पास कर रही हैं 0, 0, 0। तो अगर इन दोनों को हम बनाएंगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिलने वाला है हमें, ओरिजिन मिलने वाला है। ये बात ठीक है। एक लाइन होगी x = y = z, दूसरी x = y/2 = z/3। ये दो लाइन होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन आ गया। अब जो तीसरी लाइन है कहां से पास कर रही है, 1, 1, 1, और ये भी देख के पता चल रहा है 1, 1, 1 x = y = z वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके ऊपर कहीं पे होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा 1, 1, 1। तो जो तीसरी लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ना, पॉइंट इनको नाम दे दो a, b and c। तो c वाला पॉइंट हमसे पूछा गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सेकंड लाइन एंड द थर्ड लाइन। तो थर्ड लाइन कौन सी होगी, bc इज द थर्ड लाइन। ये बात ठीक है। और इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है √6² units के बराबर है। तो देखते जाना सी पॉइंट फाइंड करने कैसे करेंगे। पहली चीज तो सी पॉइंट कौन सी लाइन के ऊपर है, एसी लाइन के ऊपर, और एसी के अगर इक्वेशन पता है तो इक्वल टू लैम्डा मान लो, सी के कोऑर्डिनेट्स लैम्डा के टर्म्स में लिखे जाएंगे, λ, 2λ and 3λ, इस टाइप का पॉइंट सी होगा। ये तो हो गया। अब लैम्डा फाइंड करने के लिए कंडीशन है कि ट्राइंगल का एरिया √6 का स्क्वायर यूनिट है, तो इसका यूज करेंगे।
तो हमें ये पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे लिखा जा सकता है, 1/2 इनटू मोड ऑफ कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स के लोगों का वेक्टर ले लो, उनका ग्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो एक बी ए ले लेते हैं, एक बी सी ले लेते हैं, सो बी ए क्रॉस प्रोडक्ट विद बी सी, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, बी ए वेक्टर कौन सा आ जाएगा, -1 -1 -1, अगेन आई जे के फॉर्म में नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं नोटेशन इसकी, और बी सी दिस वुड बी λ -1 2λ -1 and 3λ -1, ठीक। तो अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इसको कर लेते हैं एक बार साइड पे, सो दिस इज आई कैप जे कैप के कैप -1 -1 -1 λ -1 2λ -1 3λ -1, दिस इज आई कैप 1 -3λ + 2λ -1 माइनस जे कैप 1 -3λ + λ -1 and + k कैप 1 -2λ + λ -1, ये मिल गया। तो कौन सा वेक्टर आया, -λ, यहां से प्लस का 2λ हो जाएगा और यहां से कितना -λ, ठीक ओके। तो ये आ गया, अब ये तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आया, इसका मॉडुलस लिखा जा सकता है। तो मॉडुलस फाइंड करके हमारा एरिया कितना आना था, इक्वल टू 1/2, इसका मॉडुलस कितना, स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4λ² + λ² ये किसके बराबर करेंगे, √6 के बराबर। ये चीज आ गई, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लेना, तो कितना बनेगा, 6λ² = 4 × 6, सो λ² = 4, विच इंप्लाइज λ = ±2। तो लैम्डा की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई है, या तो +2 होगा या -2। अब सी वाले के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे λ2 λ3 λ थे, तो दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। अगर तो लैम्डा तुम 2 रखोगे तो पॉइंट सी मिल जाएगा कौन सा, 2, 4, 6, और अगर लैम्डा की वैल्यू -2 रखेंगे तो पॉइंट सी मिल सकता है -2 -4 and -6। तो ये दो पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे ऑफ द सेकेंड लाइन एंड द थर्ड लाइन, चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके। If from the point P, F, G, H, perpendiculars P, L and P, M be drawn to Y, Z and Z explains, then the equation of the plane O, L, M is. एक कोई भी पॉइंट है P, F, G, H. पहला काम तो क्या किया, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, किसके ऊपर, Y, Z के ऊपर। तो अगर किसी पॉइंट P से Y, Z प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा ना, उसका X कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि Y, Z प्लेन की बात कर रहे हैं, और Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट सेम रहेगा एज दैट ऑफ पॉइंट P, राइट। तो क्योंकि L वाला पॉइंट Y, Z प्लेन के ऊपर है, तो L पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, F वाला तो जीरो हो जाएगा, G का G रहेगा, H का H रहेगा, ये बात ठीक है। सिमिलरली PM वाला जो परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर गिराया गया, ZX के ऊपर, तो जो M वाला पॉइंट होगा उसका Y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा और Z और X कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, तो दिस वुड बी F, जीरो एंड H। तो ये दो पॉइंट्स पता चल गए हमें, L और M। तीसरा पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन है, 0, 0, 0। तो इन तीन पॉइंट से पास करते हुए प्लेन की इक्वेशन चाहिए हमें, ठीक है। तो कर सकते हैं, अगर तीन पॉइंट्स पता है उनसे पास करते हुए प्लेन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट कर लेते हैं, कि मान लेते हैं इक्वेशन है AX + BY + CZ + D = 0। तो 1/1 तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करवाओ, सबसे पहले O को सेटिस्फाई करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा, D = 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन कैसी बच गई, सिंपली AX + BY + CZ = 0, राइट। उसके बाद L वाला पॉइंट अगर सेटिस्फाई करवाएं तो A × 0 + B × G + C × H, डी तो जीरो है ही है, ये मिल गया। उसके बाद M वाला पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो, X की जगह F रखा जाएगा, तो A × F, Y की जगह 0 और Z की जगह H + C × H = 0, ये दूसरी आ गई, ठीक है। तो अब देख लो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, यहां से क्या मिलेगा, BG = -CH और यहां से AF = -CH, दैट मीन्स BG = -CH = AF, ये मिला। इसको इज इक्वल टू के मान लेते हैं, तो ये एक रिलेशन आ गया, राइट। और हमने प्लेन की क्वेश्चन किसमें मानी थी, एबीसी में, बट हमें चाहिए किसमें, एफ जी एच में। तो कर सकते हैं, देख लो सबसे पहले बी की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, K/G के बराबर, सी की वैल्यू -K/H के बराबर, और ए की वैल्यू कितनी, K/F। तो ये तीनों वैल्यूज पुट कर दो प्लेन की क्वेश्चन में, जो कि कितनी थी, AX + BY + CZ = 0। तो देख लो AX + BY + CZ
इक्वल टू जीरो, तो के सारी इक्वेशन में से कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन कितनी आ गई, एक्स अपॉन एफ प्लस वाई अपॉन जी माइनस जेड अपॉन एच इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन द प्लेन आर, एक लाइन की एक प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन लेनी है, उसके डायरेक्शन कोसाइन्स पूछे गए हैं, ठीक है। पहला काम तो क्या करते हैं ना कि लाइन और प्लेन के बीच में रिलेशन चेक कर लो कि दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग है या फिर दोनों आपस में पैरेलल है, तो वो चीज चेक करते हैं। देखना लाइन कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस टू वन और माइनस वन। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कहां पे, टू वन एंड माइनस थ्री। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ना कितना आएगा, टू इंटू माइनस टू इज माइनस फोर प्लस वन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो आएगा। तो लाइन के अलोंग का वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, जिसका मतलब क्या कि जो प्लेन होगा और जो लाइन होगी वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये बात ठीक है, तो इतनी चीज पता चलेगी दैट लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब बिल्कुल काम आसान है, अगर लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल है तो जब तुम लाइन के प्रोजेक्शन लोगे ना प्लेन के ऊपर, तो होगा क्या कि वो ऐसी एज इट इज आ जाएगी, अपने पैरेलल ही शिफ्ट हो जाएगी वो, ये इसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर ये प्लेन है और ये लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो जब तुम इसको प्रोजेक्ट करवाओगे प्लेन के ऊपर तो एज इट इज अपने ही पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी, मतलब जो डायरेक्शन उसकी पहले थी वही डायरेक्शन बाद में रहेगी, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहले लाइन की डायरेक्शन कौन सी थी, माइनस टू वन एंड माइनस वन थी, माइनस टू वन एंड माइनस वन। तो अब भी डायरेक्शन कौन सी रहेगी, माइनस टू वन एंड माइनस वन रहेगी। तो मतलब क्या पता चल गया, लाइन की जो प्रोजेक्शन वाली लाइन है उसके हमें डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए, माइनस टू वन एंड माइनस वन। बट हमसे क्या पूछा था, इसके डायरेक्शन कोसाइन्स पूछे थे, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवा देंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो कितना, माइनस टू अपॉन रूट सिक्स, वन अपॉन रूट सिक्स एंड माइनस वन अपॉन रूट सिक्स, ये इसके डायरेक्शन कोसाइन्स आ जाएंगे, ठीक है। या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर करवाओ दोनों साइड पे, तो टू बाई रूट सिक्स माइनस वन बाई रूट सिक्स एंड वन बाई रूट सिक्स। तो ये दो पॉसिबल तरीके से लिखे जा सकते हैं इसके डायरेक्शन को साइंस, तो चेक कर लो कौन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। लेट्स स्टार्ट। द रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेन, एक प्लेन की क्वेश्चन गिवन है, इन अनदर प्लेन इज गिवन बाय, एक प्लेन की दूसरे प्लेन में रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, देखते जाओ। सबसे पहले जिसकी रिफ्लेक्शन पूछी गई उसको मान लेते हैं पी वन इक्वल टू जीरो, जिसमें पूछी गई उसको मान लेते हैं पी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक प्लेन की दूसरे प्लेन में रिफ्लेक्शन, इसमें भी पहले चेक कर लेना कि क्या दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो देख के पता चल रहा है इसमें कि जो दोनों इक्वेशंस दे रखी है ना, वो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल नहीं है, तो मतलब प्लेन्स आपस में पैरेलल तो नहीं होंगे, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग होंगे। तो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स बना लेते हैं एक बार। सो सपोज ये मान लो एक प्लेन हो गया, कौन सा, पी टू इक्वल टू जीरो वाला प्लेन है ये, राइट। इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरा प्लेन, तो मान लो ये दूसरा प्लेन हो गया जिसकी रिफ्लेक्शन हमें चाहिए P1 इक्वल टू जीरो, जिसका नाम है, ये बात ठीक है। अब P1 इक्वल टू जीरो की रिफ्लेक्शन लेनी है P2 इक्वल टू जीरो में, तो ये मान लो रिफ्लेक्शन आ गई P1 डैश इक्वल टू जीरो, ये ठीक है, ओके। अब हमें P1 डैश इक्वल टू जीरो की इक्वेशन फाइंड करनी है, बाकी दो दे रखी है। P1 की इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 3 इक्वल टू जीरो, और P2 वाले की है x माइनस y प्लस z माइनस 3 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखते जाना, पहली चीज तो P1 डैश इक्वल टू जीरो वाला जो प्लेन होगा वो पास कर रहा है कहां से, P2 इक्वल टू जीरो एंड P1 इक्वल टू जीरो की इंटरसेक्शन लाइन से ही तो पास करेगा। तो इसका मतलब ये कि जो इक्वेशन ऑफ P1 डैश होगी ना वो कैसी होगी, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू जीरो टाइप की होगी, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन लाइन ऑफ द गिवन प्लेन्स। तो इसको लिख लो P1 प्लस लैम्डा P2, सो 2x माइनस 3y प्लस 4z, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x माइनस y प्लस z माइनस 3 इक्वल टू जीरो, इस टाइप की इक्वेशन आ गई P1 डैश प्लेन की, राइट। अब बचा क्या, इसका लैम्डा फाइंड करना है बस। तो उसके लिए अभी हमने यूज नहीं किया कि इसका रिफ्लेक्शन है ये, तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं ना कि अगर
P1 dash equal to 0 और P1 equal to 0 एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है, तो अगर मैं P1 equal to 0 के ऊपर कोई भी पॉइंट चूज कर लू ना M, तो उसकी अगर मैं रिफ्लेक्शन लू P2 equal to 0 में, तो वो कहां पे दिखेगी मुझे? P1 dash equal to 0 वाले प्लेन पे दिखेगी, M dash। तो ये काम करते हैं, P1 equal to 0 के ऊपर कोई भी अपनी मनपसंद का एक पॉइंट मान लेते हैं, उस पॉइंट की रिफ्लेक्शन ले लेंगे, P2 बराबर 0 में रिफ्लेक्शन हमें लेनी आती है, और वो जो रिफ्लेक्शन आएगी वो P1 dash equal to 0 वाले को सेटिस्फाई करेगी, तो वहां से हमें P1 dash equal to 0 वाले का लैम्डा मिल जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास कंप्लीट, राइट। तो बस अब ये करो, P1 equal to 0 के ऊपर कोई पॉइंट चूज कर लो अपनी मर्जी का, तो देख के पता चल रहा है कौन सा पॉइंट मान सकते हैं, 1, 1, 1 सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, तो यहां पे मान रहे हैं 1, 1, 1। तो हमारा क्वेश्चन ये बन गया, M पॉइंट की हमें रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है P2 इक्वल टू 0 में, तो उसको यहां पे मैं साइड पे कर रहा हूं, सो 1, 1, 1 इसकी रिफ्लेक्शन कौन से प्लेन में, x-y + z-3 = 0 में, सो ये वाले की इक्वेशन दे रखी है x-y + z-3 = 0, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये ऐसे चला जाएगा आगे, दिस इज एम डैश, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेते हैं एन है, तो पहला काम तो क्या करेंगे, एम एन वाली लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी, सो इक्वेशन ऑफ एम एन, तो एम एन क्योंकि प्लेन के नॉर्मल है, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है कौन से होंगे, 1, -1 and 1, ठीक है, और लाइन पता है कहां से पास कर रही है, 1, 1, 1 से, तो लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है, सो x-1 यहां पे y-1 यहां पे z-1 और डायरेक्शन रेशियोज 1, -1 and 1, इसको इज इक्वल टू म्यू मान लेते हैं, ठीक। अब जो n वाला पॉइंट है इसी लाइन के ऊपर है, तो n के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे म्यू की टर्म्स में, तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जाएंगे, μ+1, -μ+1 and μ+1, n पॉइंट आ गया। अब n पॉइंट फर्दर क्या करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दो, सो x-y + z-3 = 0 ये आएगा, तो एक ये कैंसिल आउट हो गया, सो 3μ = 2, इट इंप्लाइज μ = 2/3, म्यू की वैल्यू आ गई, मतलब एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, 1 + 2/3 इज 5/3, दिस इज 1/3, दिस इज 5/3, एन पॉइंट आ गया, बट हमें कौन सा चाहिए, एम डैश, तो एम डैश अगर तुम अल्फा बीटा गामा मान लो, सो मिड पॉइंट फॉर्मूला से पता चल जाएगा कि α+1/2 = 5/3, β+1/2 = 1/3 एंड γ+1/2 = 5/3, तो यहां से अल्फा कितना, 10/3 - 1 = 7/3, β-1/3 एंड गामा इज अगेन 7/3, तो पॉइंट एम डैश क्या मिला, 7/3 - 1/3 एंड 7/3, ठीक। तो रिफ्लेक्शन हमारे पास आ गई 1, 1, 1 की। अब ये वाला जो पॉइंट एम डैश है, दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ P1 = 0, तो P1 = 0 वाली इक्वेशन हमारे पास थी, इसमें पुट कर देना, तो इससे इसमें तुम एम डैश पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, लैम्डा मिलेगा हमें -6 के बराबर, कंप्लीट करना है इसको अपने आप, ठीक है। और लैम्डा को -6 अगर यहां पे वापस से पुट करोगे तो इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी ऑप्शन ए, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। A variable plane forms a tetrahedron of constant volume with the coordinate planes and the origin. Coordinate planes मतलब xy plane, yz and zx, उनको मिला के और origin को मिला के एक tetrahedron बनाया गया, तो बना लेते हैं पहले, तो suppose ये हमारी axis है, x axis, y axis and z axis तीनों आपस में perpendicular, एक tetrahedron बना लेते हैं, so ये सपोज बन गया एक टेट्राहेड्रन, और चौथा वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन पे, तो ये एक टेट्राहेड्रन बनाया गया, राइट। तो इनके वर्टेक्स मान लेते हैं, दिस इज ओ, ए, बी एंड सी। ए पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ए कॉमा 0, 0 टाइप के इसके कोऑर्डिनेट्स, बी के 0, B, 0 और सी के 0, 0, C, ठीक है। तो चारों वर्टिसेस हमें पता है टेट्राहेड्रन के, हमें क्या दे रखे है, इसका वॉल्यूम दे रखे है 64 kcube, और पता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है, 1/6 × STP of 3 कोटर्मिनस एजेस, राइट। तो 1/6 × STP, कौन से तीन कोटर्मिनल वर्ड कोटर्मिनल वेक्टर्स ले लें, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, सो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, दिस इज 64 kcube, राइट। सो यहां से क्या पता चला, एसटीपी ऑफ ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, दिस इज 6 × 64 kcube,
ये चीज आ गई है। अब क्वेश्चन ये है कि इन तीनों का एसटीपी फाइंड करना है, तो वो हमें फाइंड करना आता है क्योंकि तीनों वेक्टर्स हमें पता है कंपोनेंट्स के फॉर्म में, तो वो यहां से कर लेते हैं। सो एसटीपी ऑफ OA OB OC ये कितना आएगा, डिटरमिनेंट से करेंगे, OA वाला वेक्टर A00 OB 0B0 OC 00C, तो इनका एसटीपी कितना आ गया, ABC के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये वाली ABC की वैल्यू उठा के पुट कर दो ऊपर, तो कितना आया ABC इक्वल टू 6 × 64 KQ, ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास ABC में। अब पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन, तो टेट्राहेड्रन का सेंट्रोइड अगर पॉइंट G से रिप्रेजेंट करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 plus x2 plus x3 plus x4 upon 4, और सेम y के लिए सेम z के लिए। तो इसका G अगर मैं अल्फा बीटा गामा मान लूं ना, तो अल्फा क्या होगा, चारों x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 4, तो a बाय 4, बीटा कितना होगा b बाय 4 होगा, गामा कितना होगा c बाय 4 होगा। और हमें क्या चाहिए, लोकस चाहिए, तो मतलब अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन फाइंड करनी है, तो यहां से क्या पता चला कि a इक्वल टू 4 अल्फा, b इक्वल टू 4 बीटा एंड c इक्वल टू 4 गामा। अब ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं a b c की, इसको उठा के हमारी पिछले वाली इक्वेशन में रख देते हैं, a b c इक्वल टू 6 × 64 K³ में, तो रख दो, तो कितना आ गया ये 4 अल्फा * 4 बीटा * 4 गामा इक्वल टू 64 × 6 K³। तो 4 × 4 × 4 = 64 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 6 K³ मिला। ठीक है, और लोकस पूछा गया था, तो अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे, सो एक्स वाई जेड इक्वल टू 6 K³। सो दिस इज द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। A variable plane passes through this fixed point, then the locus of the foot of the perpendicular drawn from the origin to this plane. Okay, एक plane दे रखा है, जो कि हमें given है, कहां से पास कर रहा है, point 1, 2, 3 से पास कर रहा है। पूछा क्या गया है, ओरिजन से इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस, तो अगर यहां पे मान लो ओरिजन है 0, 0, 0, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया प्लेन के ऊपर, मान लो दिस पॉइंट इज M, तो M पॉइंट का लोकस पूछे, जिसको हम मान लेंगे अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, तो अल्फा बीटा गामा में एक इक्वेशन चाहिए हमें, राइट तो कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, देखने से पता चल रहा होगा, O पॉइंट है, M पॉइंट है, ये पॉइंट P मान लेते हैं 1, 2, 3 वाला, तो क्योंकि P पॉइंट प्लेन के ऊपर है ना, तो यहां से क्या पता चलेगा कि O M और M P वाले वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपस में जीरो कर दिया जाएगा बस, राइट right? और ओ एम वेक्टर क्या है, अल्फा बीटा गामा ही है, सो अल्फा बीटा गामा इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 1 - α, 2 - β, 3 - γ इक्वल टू 0, सो दैट मींस अल्फा इनटू 1 - α प्लस बीटा इनटू 2 - β प्लस गामा इनटू 3 - γ इक्वल टू 0, ये चीज मिली, कर लो सिंप्लीफाई, तो अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2β - β² प्लस 3γ - γ² इक्वल टू 0, बस अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन आ गई, इन तीनों को एक्स वाई और जेड से रिप्लेस कर तो लोकस मिल जाएगा, तो क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y - 3z इक्वल टू 0, राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके लेट्स स्टार्ट। The direction ratios of a normal to the plane through these two points which makes an angle pi by 4 with the given plane. एक plane के direction ratios चाहिए, तो सबसे पहले तो ये जो plane की बात कर रहे हैं इसकी equation मान लेते हैं क्या, ax plus by plus cz plus d equal to 0. तो इसका मतलब इसके normal के direction ratios क्या हो जाएंगे, abc हो जाएंगे, ये बात ठीक है। ओके okay, अब इस पे कंडीशंस लगाते हैं, प्लेन की क्वेश्चन तो मान ली, पहली कंडीशन क्या, 1, 0, 0 से सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें अगर सेटिस्फाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस डी इक्वल टू 0, ये पहला रिलेशन आ गया, तो a इक्वल टू माइनस डी आ गया। दूसरी कंडीशन 0, 1, 0 से सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करवाओ क्या मिलेगा, b प्लस डी इक्वल टू 0, तो b भी कितना आ गया, इक्वल टू माइनस डी आ गया, दो कंडीशंस लगा दी। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है कि वो इस प्लेन के साथ x plus y equal to 3 के साथ एंगल बना रहे पाई बाय 4। अब पता है दो प्लेन्स के बीच का एंगल इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स, तो इसका मतलब जो ABC वाला वेक्टर होगा और यहां से इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया 1, 1, 0, इन दोनों के बीच का एंगल पाई बाय 4 है, तो उसकी कंडीशन लगा देते हैं, सो cos पाई बाय 4
is equal to 1 into a plus 1 into b plus 0 into c. That means a plus b upon me square root of a square plus b square plus c square and square root of 1 square plus 1 square. यह आ जाएगा. Simplify करो इसको. Cos pi by 4 is 1 by root 2. a की value minus d put कर देते हैं. b की value minus d upon square root में. a की value minus d, b की value minus d. 2d square आ जाएगा plus का c square. यह square root of 2 है. ये तो कैंसिल आउट हो गया. दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 4d स्क्वायर इक्वल टू 2d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो c की वैल्यू भी यहां से हमारे पास d की टर्म्स में आ जाएगी कितनी, प्लस माइनस रूट 2d. राइट, तो हमारे पास जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हमने माने थे क्या थे, a b c. a इज माइनस d, b इज माइनस d, c इज प्लस माइनस रूट 2d. ठीक है, माइनस d से अगर डिवाइड कर दें तो 1, 1 एंड माइनस प्लस का रूट 2. ये इसके डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे नॉर्मल के. तो दो पॉसिबल आंसर आएंगे, 1, 1, √2 एंड 1, 1, −√2. देख लो दोनों में से जो भी मैच करेगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. कंसीडर अ प्लेन पी पासिंग थ्रू ए बी एंड सी एंड अ स्ट्रेट लाइन एल विद पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन पासिंग थ्रू ए bisecting BC and makes equal angles with the coordinate axis, then the value of lambda plus mu is equal to. तो एक तो प्लेन दे रखा है जो कि A, B और C तीन पॉइंट से पास कर रहा है, और एक स्ट्रेट लाइन है जिसके पॉजिटिव डायरेक्शन को साइंस है जो A से पास कर रही है और B, C को बाइसेक्ट कर रही है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है. तो पहली चीज तो B, C को क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है ना, तो ये B और C लाइन सेगमेंट बना लेते हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, −1, 3 2 एंड सी कितना, 7, 5, 10. बाइसेक्ट करने का मतलब इसके मिड पॉइंट से पास करके जा रही होगी और इसका मिड पॉइंट कहां पे मिल जाएगा हमें, दिस वुड बी 3, 4 एंड 6. ये इसका मिड पॉइंट है. अब ये जो लाइन है ये तो पता चल गया 3, 4, 6 से पास कर रही है. इस पे और कंडीशन क्या है कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है. तो मतलब एक्स के साथ अगर अल्फा, वाई के साथ भी अल्फा बनाएगी, जेड के साथ भी अल्फा बनाएगी. और ये तो हमें पता है रिलेशन क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है. तो तीनों की वैल्यू अगर इक्वल रख दें, अल्फा अल्फा अल्फा, तो यहां से कोस अल्फा कितना मिल जाएगा, ±1/√3 मिल जाएगा. ठीक है, तो तीनों डायरेक्शन कोसाइन इक्वल आ जाएंगे, 1/√3, 1/√3, 1/√3 या फिर −1/√3, −1/√3, −1/√3. बट क्योंकि गिवन है कि पॉजिटिव डायरेक्शन कोसाइन है तो मतलब इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, 1/√3, 1/√3, 1/√3. राइट, ओके. अब ये डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियोज लिखने हैं तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दो. तो 1, 1, 1 डायरेक्शन रेशियोज लिखे जा सकते हैं. अब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं, पॉइंट इसका पता है, इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है. तो लिख लेते हैं. सो x − 3 = y − 4 = z − 6 / 1/1/1. ये लाइन की इक्वेशन आ गई है. बस अब उसके बाद क्या दे रखा है कि ये लाइन ए पॉइंट से पास कर रही है. तो अगर ए पॉइंट से भी पास कर रही है तो ए के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करवा दो. तो रख दो लैम्डा 3 एंड म्यू. सो लैम्डा देन 3 एंड म्यू. तो यहां से लैम्डा म्यू की वैल्यू आ जाएगी, −3 = −1 एंड −6 = −1. लैम्डा कितना आ गया, 2 के बराबर आया, और म्यू कितना आ गया, 5. तो लैम्डा म्यू दोनों वैल्यूज आ गई. लैम्डा प्लस म्यू पूछा था किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट. लेट्स स्टार्ट. इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन, इस प्लेन पे लाई करने वाली लाइन की इक्वेशन, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिस थ्रू द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द गिवन प्लेन. ओके, क्या गिवन है ना, एक तो प्लेन दे रखा है हमें, r dot n is equal to d, और एक लाइन है जो इस प्लेन के ऊपर लाई कर रही है और कहां से पास कर रही है, पॉइंट p के फुट ऑफ परपेंडिकुलर से. तो अगर यहां पे पॉइंट p है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेते हैं पॉइंट m मान लो, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर m है. ठीक है, तो इस पॉइंट से पास करने वाली लाइन, m से पास करने वाली और किसके पैरेलल, a प्लस लैम्डा b के. तो अगर इस लाइन के पैरेलल है तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, b वेक्टर की डायरेक्शन ही होगी. तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन में भी कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर b होगा. तो ये सिचुएशन है. ये जो ब्लू कलर से लाइन बनाएगी इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. m पॉइंट से पास कर रही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर से और b वेक्टर के पैरेलल है. ठीक है, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन कैसी होगी,
आर इक्वल टू एम प्लस लैम्डा बी टाइप की होगी, ये तो बात पक्की है। और तुम ऑप्शन भी देख सकते हो, सारे ऑप्शन लैम्डा बी की टर्म्स में तो है ही है। तो बस हमारा क्वेश्चन ये है कि जो एम वेक्टर है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमें फाइंड करना है, तो ये हम कर सकते हैं आराम से। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पी एम लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। कैसे लिखोगे, आर इक्वल टू ए पॉइंट से पास कर रहे हैं और किसके पैरेलल है, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है एन उसके पैरेलल है ये वाली लाइन, तो इसका मतलब प्लस म्यू एन ऐसे लिख सकते हैं। ये आ गई लाइन पी एम की इक्वेशन। और अगर पी एम की इक्वेशन आ गई तो एम पॉइंट तो इसी लाइन के ऊपर है, तो एम पॉइंट के जो पोजिशन वैक्टर होगा वो भी इसी फॉर्म का होगा, तो इसका मतलब जो एम वाला वैक्टर होगा वो भी इसी फॉर्म का आएगा, ए प्लस म्यू एन टाइप का आएगा, ये बात ठीक। तो अगर m वेक्टर हमें चाहिए तो म्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और कंडीशन क्या लगेगी कि ये जो m वाला पॉइंट है ना ये इसी प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है r डॉट n इक्वल टू d, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो r डॉट n इक्वल टू d को सेटिस्फाई करवाओ, दैट मींस m डॉट n इक्वल टू d। और m की वैल्यू क्या थी, a प्लस म्यू n है, डॉट n कर लो इक्वल टू d, तो क्या आ गया a डॉट n प्लस म्यू टाइम्स n डॉट n इक्वल टू d। तो यहां से म्यू की वैल्यू मिल गई हमें कितनी, d माइनस ए डॉट एन अपॉन मोड ऑफ n का स्क्वायर, तो म्यू मिल गया। म्यू मिलने का मतलब m वाला वेक्टर मिल गया होगा, m वेक्टर क्या था, a प्लस म्यू n था, सो m इक्वल टू a प्लस ये सारा म्यू टाइम्स n, तो m वेक्टर आ गया। पर हमारी जो लाइन की इक्वेशन थी वो क्या थी, m प्लस लैम्डा बी थी, तो इसी में प्लस लैम्डा बी कर देंगे तो लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी हमें, ठीक। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सो ऑप्शन ए मिल जाएगा, ए इज करेक्ट। ओके, अ टेट्राहेड्रन हैज वर्टिसेस एट ओ ए बी एंड सी, देन द एंगल बिटवीन द फेसेस ओ ए बी एंड ए बी सी विल बी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक टेट्राहेड्रन है उसके दो फेसेस के बीच का एंगल गिवन पूछा गया है। फेस का मतलब क्या होता है, प्लेन, तो बेसिकली दो प्लेन्स के बीच का एंगल पूछा गया, ठीक है। तो अगर पहले ओ ए बी वाले प्लेन की बात करें, अब दो प्लेन्स के बीच का एंगल क्या होता है, उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल। तो पहला काम हम क्या करेंगे, इस ओ ए बी वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने की ट्राई करेंगे। नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा, इस प्लेन के ऊपर कोई भी दो वेक्टर्स उठा लो, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा प्लेन का। तो ओ ए बी प्लेन के ऊपर कोई भी दो वेक्टर उठा लो, पहला ओ ए उठा लेते हैं, कौन सा ये 1 2 1 ही आ जाएगा। दूसरा उठा लो ओ बी, ये कौन सा आ जाएगा 2 1 3, ठीक। तो इसका नॉर्मल वेक्टर जो होगा प्लेन का ये कितना आ जाएगा, ओ ए क्रॉस प्रोडक्ट विद ओ बी, ये फाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप 1 2 1 2 1 एंड 3, सो दिस इज 6 माइनस 1 5 आई कैप, 3 माइनस 2 1 माइनस जे कैप, 1 माइनस 4 माइनस 3 के कैप, ये आ गया, ठीक। ये फर्स्ट वाले प्लेन के लिए आ गया, फर्स्ट वाले फेस के लिए आ गया। सिमिलरली दूसरे वाला प्लेन उठा लो ए बी सी, तो ए बी सी वाले प्लेन के ऊपर भी दो वेक्टर्स उठाने पड़ेंगे, ए बी ले लेते हैं और ए सी ले लेते हैं, ठीक। तो ए बी वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा, 1 माइनस 1 एंड 2, 1 माइनस 1 एंड 2, और वेक्टर ए सी कौन सा होगा, -2 -1 एंड 1। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर आएगा वो भी कर लो सेम तरीके से, सो दिस इज आई जे के 1 -1 2 -2 -1 एंड 1, दिस वुड बी इक्वल टू -1 + 2 = 1, सो आई कैप 1 + 4 = 5 -5 j कैप, और इसके लिए कितना आ जाएगा -1 and -2 -3 k कैप, ये आ गया। तो बस दोनों प्लेन्स का नॉर्मल वेक्टर आ चुका है, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर लो, वही क्या हो जाएगा, उन दोनों फेसेस के बीच का एंगल हो जाएगा। तो कर लेते हैं, सो cos theta इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा ऊपर, तो सो 5 × 1 5 आ गया, प्लस में 5 10 आ जाएगा और प्लस 9 कितना 19 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 5² + 3² + 1² दोनों में आएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5² + 3² + 1² हो जाएगा। सो कितना आ गया ये 19 upon 25 + 10 = 35, सो दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 19 upon 35, राइट, ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द जेड एक्सिस एंड द गिवन लाइन इज,
बिल्कुल अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बस करना क्या होगा, सबसे पहले इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। प्रेजेंटली ये कौन सी फॉर्म है, अनसिमेट्रिक फॉर्म है, इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और उसके लिए पता है ये दो प्लेन्स की इक्वेशन लिखी गई है, तो इन दोनों प्लेन्स की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो क्या होगी, इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब ये कि पहले प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के 1, 1 एंड 2, दूसरे के 2, 3 एंड 4। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब जाके हमें इस लाइन की डायरेक्शन मिलेगी। तो कर लेते हैं, सो आई जे के 1, 1, 2, 2, 3 एंड 4। तो कितना आएगा ये आई कैप के साथ कितना बन जाएगा, 4 - 6 - 2। जे कैप के साथ कितना, 4 - 4 इज 0। और के कैप के साथ कितना, 3 - 2। ये लाइन की डायरेक्शन आ गई है। अब डायरेक्शन आ गई, एक पॉइंट भी चाहिए। पॉइंट के लिए क्या करते होते हैं, अपनी मनपसंद का कोई भी एक पॉइंट उठा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करो ना, दोनों प्लेन्स की इक्वेशन में जेड को 0 रख देते हैं, राइट। सो पुट जेड इक्वल टू 0 इन बोथ द इक्वेशंस। सो एक इक्वेशन आ गई x + y - 3 = 0, और दूसरी कौन सी, 2x + 3y - 4 = 0। तो यहां से हम एक पॉइंट फाइंड कर पाएंगे जो इस लाइन के ऊपर होगा। तो इन दोनों को सोल्व करो, पहली को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, सो 2x + 2y - 6 = 0। ये कौन सी है, 2x + 3y - 4 = 0, ठीक। तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, कितना आएगा, y + 2 = 0। इसका मतलब y = -2 आ गया, x = कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कौन सा पॉइंट मिल गया, 5, -2, 0। तो पॉइंट आ गया 5, -2, 0। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x - 5 = y + 2 = z - 0। डायरेक्शन रेशियोज इसके क्या है, -2, 0 एंड 1। तो ये एक लाइन दे रखी है। दूसरी लाइन कौन सी है, जेड एक्सिस, इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है सिमेट्रिक फॉर्म में। ओरिजिन से पास करेगी, डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, 0, 0 एंड 1 होंगे। सो x - 0/0, y - 0/0, z - 0/1। तो ये क्वेश्चन बन गया कि ये दो लाइंस हैं, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया, तो हमें फाइंड करना होता है। तो पहले क्या, a1 - a2 वाला वेक्टर फाइंड करते होते हैं, ठीक है। a1 मतलब पहली लाइन के ऊपर पॉइंट, a2 मतलब दूसरे के ऊपर का पॉइंट। तो ये तो कौन सा आ जाएगा भैया, आ जाएगा 5 - 2, 0। और दूसरा क्या करते होते हैं, b1 × b2 फाइंड करते होते हैं। b1 × b2 का मतलब पहले वाले का डायरेक्शन वेक्टर -2, 0, 1। सो आई जे के -2, 0, 1 और उसका 0, 0, 1। तो ये कितना आ जाएगा, आई कैप इंटू 0, राइट। और जे कैप के साथ कितना, -2, तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना, 0, 0 टू 0, b1 × b2, ठीक। ये दोनों फाइंड कर लिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैसे होता है, फॉर्मूला उसका a1 - a2 · b1 × b2 / mod of b1 × b2, ये फॉर्मूला होता है, इस सारे का मोड, ठीक है। तो कर लो, a1 - a2 · b1 × b2 कितना, -2 × 2 = -4, नीचे b1 × b2 का मोड कितना, 2। तो कितना आ गया, ये 2 के बराबर आ गया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया गया, सिंपली बस अनसिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन थी उसको सिमेट्रिक में कन्वर्ट किया है, जेड एक्सिस को सिमेट्रिक में कन्वर्ट किया, उसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, द प्लेन, एक प्लेन गिवन है, इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद अनदर प्लेन, देन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द न्यू पोजिशन इज। तो दो प्लेन्स गिवन है, पहले वाले का नाम रख देते हैं p1 = 0, दूसरे का p2 = 0। तो हमने क्या किया, p1 = 0 को रोटेट किया, किसके अबाउट, अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द p1 एंड p2। तो पूछा गया कि रोटेट करने के बाद जो उसकी नई पोजीशन आई होगी उसकी इक्वेशन बताओ क्या होगी, राइट। तो कर सकते हैं, सबसे पहले क्या करो, p1 = 0, इसको डायग्राम बना लेते हैं, ग्राफ डायग्राम। तो ये मान लो प्लेन है हमारा p1 = 0, ठीक। और एक दूसरा प्लेन p2 = 0 जो कि इसको इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं। तो मान लेते हैं ये दूसरा प्लेन है p2 = 0 वाला। अब हमने p1 = 0 को रोटेट किया 90 डिग्री से, मान लो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में किया, ठीक है। तो जो नया प्लेन आ जाएगा ना वो कैसा आ जाएगा, ये मान लो नया प्लेन आ गया p1 - 0 आफ्टर द रोटेशन, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो p1 = 0 को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो p1 = 0 वाले की इक्वेशन पूछी गई है, लिख सकते हैं, देखते जाना। पहली चीज तो इक्वेशन ऑफ p1 वाले जो प्लेन है ना
कहां से पास कर रहे हैं, पी वन और पी टू वाले की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहे हैं, तो इसकी इक्वेशन कैसी होगी, पी वन प्लस लैम्डा पी टू इक्वल टू जीरो टाइप की होगी। ये बात ठीक है, तो कर लो इसको। पी वन की इक्वेशन कितनी दे रखी है, टू माइनस वन एंड थ्री, ये पी वन की इक्वेशन, प्लस लैम्डा टाइम्स पी टू की इक्वेशन कितनी, फाइव माइनस फोर माइनस टू, ये इक्वेशन है, ठीक बात है। ओके, ये आ गई इक्वेशन। अब लैम्डा फाइंड करना है, तो कंडीशन क्या है, पी वन इक्वल टू जीरो और पी वन डैश इक्वल टू जीरो के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब इनके नॉर्मल वेक्टर्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो मतलब इनके नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो बस आसान है। तो ये जो प्लेन लिखा है हमने पी वन डैश वाला, इसका नॉर्मल वेक्टर देख लो कौन सा आएगा, तो एक्स के साथ कितना, टू प्लस फाइव लैम्डा, वाई के साथ कितना, माइनस वन माइनस फोर लैम्डा, जेड के साथ कितना, थ्री माइनस टू लैम्डा, प्लस फाइव प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, टू प्लस फाइव लैम्डा, माइनस वन माइनस फोर लैम्डा, थ्री माइनस टू लैम्डा, ये आ गया। ये किसके साथ परपेंडिकुलर है, पी वन इक्वल टू जीरो, पी वन इक्वल टू जीरो के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज टू माइनस वन एंड थ्री है, तो ये टू माइनस वन एंड थ्री, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। सो टू टाइम्स टू प्लस फाइव लैम्डा प्लस वन प्लस फोर लैम्डा प्लस थ्री टाइम्स थ्री माइनस टू लैम्डा इक्वल टू जीरो, सो फोर प्लस टेन लैम्डा प्लस फोर लैम्डा प्लस वन प्लस नाइन माइनस सिक्स लैम्डा इक्वल टू जीरो, सो टेन प्लस फोर फोर्टीन माइनस सिक्स इज एट लैम्डा, नाइन प्लस वन इज टेन प्लस फोर फोर्टीन माइनस फोर्टीन, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, राइट और इसी लैम्डा की वैल्यू को उठा के रख देना हमारे पी वन डैश इक्वल टू जीरो वाली इक्वेशन में, तो उससे क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक। तो ये करना अपने आप, इसका रिजल्ट मैं बता रहा हूं, ऑप्शन बी मिल जाएगा तुम्हें। लेट्स स्टार्ट। द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स ऑन द प्लेन, एक लाइन सेगमेंट की एक प्लेन के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगी उसकी लेंथ पूछी गई है। बना लो, एक प्लेन बना लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सेवन, लाइन सेगमेंट फाइव माइनस वन फोर, ये ए पॉइंट हो गया फाइव माइनस वन एंड फोर, एंड पॉइंट बी इज फोर माइनस वन एंड थ्री। ए बी की प्रोजेक्शन निकालनी है हमें प्लेन के ऊपर, तो प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए वैसे तो अप्रोच क्या होती है, ठीक है, क्या तरीका यूज करते हैं कि ए वाला जो एक एंड पॉइंट है इसका, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो प्लेन के ऊपर, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो ए डैश आ गया, बी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लो, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो बी डैश आ गया, तो ए डैश बी डैश वाली जो लाइन सेगमेंट होगी या फिर जो लाइन होगी, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ए बी, ठीक है। तो एक तरीका ये है ए का फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना, जो कि हमें करना आता है, तो ए डैश मिल जाएगा, बी क्या करना है बी डैश मिल जाएगा, तो ए डैश पॉइंट आ गया, बी डैश पॉइंट आ गया, उसकी हेल्प से लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो तुम, और दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे तो इसकी लेंथ भी मिल जाएगी, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये नहीं करना चाहते ना, क्योंकि कैलकुलेशन बनेगी ए डैश पहले फाइंड करना पड़ेगा बी डैश फाइंड करना पड़ेगा, तो इसको करने का ऑल्टरनेट तरीका क्या, कि ए डैश बी डैश को उठा के ऊपर शिफ्ट कर लो पैरेलली, तो अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो मान लो ये बन गई ऐसे, राइट, दिस पॉइंट इज सपोज एम। अब ये जो एम होगा इस ट्रायंगल से अगर देखना ए बी एम से, तो एम क्या होगा, ए बी कोस थीटा के बराबर होगा, ठीक। तो अगर हमें ए एम जो प्रोजेक्शन है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो हमें ए बी कोस थीटा फाइंड करना पड़ेगा, ए बी वाला डिस्टेंस तो आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, अब बचा क्या, कोस थीटा, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो। अब थीटा कौन सा एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, और लाइन और प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना हमें आता है, ठीक है। तो ये फाइंड कर रहे हैं, देखना ए बी लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, लिख लेते हैं, फाइव माइनस फोर इज वन, माइनस वन माइनस वन जीरो, फोर माइनस थ्री इज वन, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज वन जीरो वन, और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, वन वन एंड वन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा की हेल्प से। सो साइन थीटा इक्वल टू, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा तो वन प्लस वन कितना टू, नीचे कितना, स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो कितना आ गया, रूट टू अपॉन रूट थ्री आया, तो अगर साइन थीटा आ गया तो इसकी हेल्प से कोस थीटा भी आ जाएगा, कोस थीटा कितना आ जाएगा, वन बाय रूट थ्री, सो कोस थीटा पता चल गया, और क्या चाहिए था, ए बी वाला डिस्टेंस चाहिए था, ए बी वाला डिस्टेंस भी आ जाएगा, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ कितना आ जाएगा, वन प्लस वन रूट टू आ जाएगा, तो बस ये आ गया।
सो लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन कितनी थी, ए बी कोस थीटा, सो लेंथ इज ए बी कोस थीटा, कितना आ गया, रूट टू बाय रूट थ्री आया, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट बाय द इक्वेशन। दो लाइंस के बीच का एंगल पूछा गया, उनके डायरेक्शन को साइंस की इक्वेशंस दे रखी हैं, तो पता है हमें दो इक्वेशंस इसने दे रखी हैं, तीसरी इक्वेशन हमें खुद से पता होती है, ये दो इक्वेशंस गिवन है, तीसरी इक्वेशन क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, इन तीनों को सोल्व करके एल एम एन की वैल्यू फाइंड की जाएगी, तो बस सोल्व करने करते जाओ इसको। एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर है, यहां पे रख देते हैं, तो कितना आएगा, टू एल स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एल स्क्वायर की वैल्यू तो फिक्स होगी, वन बाई टू आ गए, ये बात ठीक है। अब क्या करो, एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू जीरो है ना, सो एल इक्वल टू माइनस टाइम्स एम प्लस एन हो जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर, दैट इज दिस, ठीक। अब एल स्क्वायर भी वन बाई टू है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी वन बाई टू, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला, टू एम एन इक्वल टू जीरो, सो एम एन इक्वल टू जीरो, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, एम एन इक्वल टू जीरो। अब अगर m into n equal to 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, दो केसेस बना लो, या तो m 0 होगा या फिर n 0 होगा। अब m square plus n square कितना 1 by 2 था, तो जब m 0 है तो n square 1 by 2 होगा, जब n 0 है तो m square 1 by 2 होगा, और l square तो हमेशा फिक्स है, ये 1 by 2 है, तो l square is 1 by 2, l square is 1 by 2, तो ये दो पॉसिबल हमारे पास सेट्स आ गए फॉर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां पहले वाले से कितना आएगा, L की वैल्यू प्लस माइनस वन बाई रूट टू कुछ भी हो सकती है, तो प्लस की ले लो, अगर सपोज M जीरो है, N भी प्लस माइनस वन बाई रूट टू कुछ भी हो सकता है, बट कंडीशन है L प्लस M प्लस N बराबर जीरो होना चाहिए, तो L को अगर तुमने पॉजिटिव लिया, N को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, ये भी हो सकता था या फिर दूसरा हो सकता था ये भी, बट ध्यान रखना दोनों के दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एक का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो दूसरे के नेगेटिव के बराबर है, तो ये तो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे L की वैल्यू अगर प्लस रखोगे, M की वैल्यू नेगेटिव रखनी पड़ेगी, N तो जीरो मान रखे हमने, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी L को नेगेटिव रख लो, M को पॉजिटिव, N को जीरो, तो इनके बीच का एंगल पूछा गया, तो ये यहां से एक लाइन मिल रही है, यहां से दूसरी लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल पूछा गया, तो कोई भी एक सेट उठा लो, तो सपोज पहले वाले से हमने ये वाला सेट उठा लिया और दूसरे वाले से ये उठा लिया, इनके बीच का एंगल पूछा गया था, फॉर्मूला लगा दो, सो cos थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू, माइनस वन बाई रूट टू कितना, वन बाई टू, जीरो इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, और डिवाइड में तो वन ही आएगा क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन्स है, तो ये चीज आ गई, cos थीटा इक्वल टू वन बाई टू, विच इंप्लाइज थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट, ओके। सो इसी के साथ चैप्टर 3D इज कंप्लीट, ओके, थैंक यू।